प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह शेरा को टिकट देकर अल्पसंख्यकों को नाराज किया था, जिसका सामूहिक विरोध भी किया गया था और इसी विरोध के चलते 23 पार्षदों ने संयुक्त रूप से कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था। वहीं औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील ने प्रेस वार्ता कर बताया कि नफीस मंशा खान की इस क्षेत्र में अच्छी छवि है और वह लोगों का काफ़ी सहयोग करते हैं, जिसको लेकर नफीस मंशा खान को MIM पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। कबूल कर ले या कहीं ना कहीं अपना एहतजाज दर्ज कराए। और ये एहतजाज हमारा दर्ज कराने से पहले बुरहानपुर के जितनी भी आवाम है, मध्य प्रदेश के जितने भी आवाम है, उनके अंदर एक गुस्सा था कि हम हमेशा से ही एक पार्टी का साथ देते आए हैं सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर, लेकिन आज देखिएगा कि नतीजे में क्या मिला है, तो 2 सीटें मिली है। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी सीटें हैं कि जहां पर आपकी आबादी 30%, 40%, 45%, 50% तक भी है, तो ऐसी जगहों के ऊपर क्यों कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है? तो आखिर में हमने ये फैसला किया है कि नहीं, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम उतरेंगे मैदान के अंदर और अगर आप लड़ेंगे तो ही आप जीतेंगे, आपको टिकट मिलेगा तो ही आप लड़ेंगे। अगर आपको टिकट ही नहीं देंगी पार्टियां ये सोचकर कि नहीं, हम कांग्रेस से ये सवाल करना चाहते हैं कि तुम टिकट इस वजह से नहीं दे रहे हैं ये डर से कि नहीं ये जीतते नहीं है करके, तो तुम क्या ये गारंटी ले रही है कि 230 सीटें तुम जो लड़ा रहे हैं ये पूरे के पूरे तुम जीतने वाले हैं? भाई आपको सेक्युलरिज्म को अगर जिंदा रखना है तो हम अगर आपको वोट देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका वोट भी आप ट्रांसफर करवाइए।